हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही जलते हुए टॉपिक के सॉल्यूशन पे, जो कि जेरार्ड भैया ने स्टार्ट किया था एंड वहां से लाइनस देन टेक जंकीज एंड फिर लास्ट में हम जैसे कॉपी पेस्ट वालों ने भी बना डाला। सो आज हम देखते हैं कि कैसे आप अपने रैम का रैंक, कैपेसिटी, स्पीड एक्सेट्रा निकाल सकते हैं बिना नट बोल्ट को हाथ लगाए। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। अब जब सब्सक्राइब कर ही लिया है तो गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। आज का जर्नी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्च बार में ऑन विंडोज 10 और 11। वहां जस्ट टाइप एज कमांड एक बार आपको नजर आता है, देन क्लिक ऑन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। याद रहे, ये कमांड प्रॉम्प्ट सर्च रिजल्ट में सेलेक्ट रहना चाहिए, तभी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कीजिएगा। अब आगे सारे के कमांड हम यहीं से रन करने की कोशिश करेंगे। नाउ टाइप करें WMIC, इसका मतलब है विंडोज मैनेजमेंट इंटरफेस कमांड। इसके साथ कुछ और पैरामीटर्स का एक्सटेंशन लगा के आप अपने रैम का जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। वैसे ये कमांड और भी चीजों का जन्म कुंडली निकालने में एक्सपर्ट है, बट आज हम सिर्फ रैम की ही पूजा अर्चना पे ध्यान देंगे। सो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको ये कमांड टाइप करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं फॉर रेडी रेफरेंस। वंस यू पेस्ट दिस, आफ्टर दैट हिट इंटर। ये रहा आपके रैम का फ्री हॉरोस्कोप। इसमें बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगा, हम एक एक करके बात करते हैं। जिसमें पहला है कैपेसिटी 8 GB, फॉर्म फैक्टर इज 8, इसका मतलब ये DIMM टाइप है। अगर ये 12 होता तो इसका मतलब ये SODIMM होता। अगर आप लैपटॉप यूजर है तो आपको यहाँ पे 12 ही नजर आएगा। मैन्युफैक्चरर में कंपनी का नाम आएगा, पता नहीं मेरे वाला क्यों नमक का कर्ज अदा नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली कोर्सियर का है, यहाँ पर ये कोर्सियर ही आना चाहिए था, आज पता नहीं क्यों अलग सा टिप्पणी दे रहा है। नेक्स्ट इज मेमोरी टाइप, इसका मतलब ये DDR3 है या DDR4, ये आपको पता चलेगा। सो अगर यहाँ 0 आता है इसका मतलब इट्स DDR4, वरना अगर 24 आता इट मीन्स इट्स DDR3। नेक्स्ट पार्ट नंबर, ये आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे जाकर के बात करते हैं। फिर आएगा सीरियल नंबर, मेरे केस में आज सबने मिल करके मुझे बल्क में धोखा दिया है, बट इस केस में आपको सीरियल नंबर यहाँ नजर आना चाहिए, मुझे नहीं नजर आ रहा है। आप यहाँ चेक करना, आपको जरूर सीरियल नंबर नजर आएगा। एंड लास्ट इज स्पीड, सो यहाँ डिफॉल्ट BIOS में जो कॉन्फिगर है वो नंबर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में मेरा 3000 MHz का है, बट BIOS में 2133 कॉन्फिगरेशन है, इसके लिए 2133 नजर आ रहा है। सो इसके पहले भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था दैट यू कैन इंक्रीज दिस फ्रॉम BIOS, वहां आपको XMP ऑप्शन मिल जाएगा टू चेंज। पूरा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा, चेक दैट आफ्टर दिस वीडियो। अब चलते हैं आगे आज के हीरो की तरफ। सो ये है पार्ट नंबर, इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लेकर के आप अपने मेमोरी का फुल कॉन्फ़िगरेशन, शादी, बच्चा, नाती पोते सब कुछ निकाल सकते हैं। इस पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको फ्यूचर में किस टाइप का रैम लेना है फॉर योर लैपटॉप, वो आप इससे पता कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप का सर्च करके बताता हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लैपटॉप यूजर हैं एंड उनके लिए ही रैम का डिटेल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। डेस्कटॉप वालों के लिए इट्स वेरी इजी। सो ये है स्क्रीनशॉट ऑफ WMIC कमांड फ्रॉम माय ऑफिस लैपटॉप। इसमें पार्ट नंबर कॉपी करना है एंड पेस्ट इट ऑन गूगल विद कंपनी नेम। यहां आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सो यहां आप देख सकते हैं कि इट्स विच टाइप ऑफ रैम, लाइक 1 rank 8-bit टाइप का रैम है। अगर आपको खरीदना है देन यू शुड गो विद SODIMM DDR4 टाइप एंड 1RX8 टाइप ऑर्गेनाइजेशन का रैम होना चाहिए। साथ में 8 GB एंड स्पीड मस्ट बी ऑफ 2666 MHz। इतना इन्फॉर्मेशन काफी होगा आपको रैम परचेस करने के लिए। एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, ये विक्टस का है जिसको मैंने सर्च करके पहले भी रिजल्ट दिखाया था। इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना वेबसाइट में जाकर के, बट मिल गया रिजल्ट फाइनली। सो इस प्रोसेस से आप किसी भी लैपटॉप के रैम का डिटेल निकाल सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। वैसे अगर आपको रैम बाइंग गाइड की जरूरत है डिटेल्स में तो लेफ्ट वाला वीडियो आपकी मदद कर सकता है। एंड अगर रैम रैंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन विद अदर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानना है तो राइट वाला वीडियो आपकी मदद कर पाएगा। वैसे तो वीडियो हमने काफी सारे बनाए हैं, बस आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत है। That's it for now guys, hope you learned something new today and thanks for watching.